अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? कैसे ठीक ठाक हैं? एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग गुजर चुकी है, गुड आफ्टरनून शुरू हो चुकी है। जैसे कहा, सबको पता है कि आज एक इकबाल डे है, तो मेरी भी जहन में एक शेर आया था, तो सोचा कि मैं भी इकबाल डे के ऊपर एक छोटा सा शेर आपको सुनाऊँ और एक छोटी सी वीडियो भी आपको इकबाल साहब की दिखाऊँगा, ताकि आप सबके अंदर भी एक मोटिवेशन लेवल पैदा हो, क्योंकि इकबाल साहब ने बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन दी है जो डीमोटिवेट हो चुके थे। उनको के लिए उन्हें बहुत अच्छे अच्छे एक शेर उन्होंने बयां किए थे। एक शेर मेरे पास भी आज है, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। एक छोटा सा एक शेर था, सोचा आप सबसे शेयर करूँ मैं, क्योंकि वैसे भी इकबाल डे है, तो उनके लिए एक छोटा सा शेर मेरे जहन में आया था, तो मैंने आप सबसे शेयर कर दिया। बाकी हमारी टीम मेंबर भी आपसे अगर कोई इकबाल साहब के लिए शेयर करना चाहें तो उनसे भी हम बात करते हैं। फराज भाई, आपको इकबाल भाई के हवाले से कुछ कोई शेर, कोई ऐसी बात कहना चाहेंगे? भाई वही जो आपने जो शेयर किया था वही मेरे ख्याल में ज़बरदस्त ही रहेगा, तो मुझे मेरा शेयर उसी को जो है ना फॉरवर्ड और कमेंट। थैंक यू सो मच। बाकी राफे भाई, आप कुछ अर्ज करना चाहेंगे? आप भाई एक्चुअली एनफील्ड लगा के बैठे हुए हैं, तो ये एक छोटा सा शेयर था हमारी तरफ से इकबाल साहब के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी गाइस, एक छोटी सी और बात थी, जैसे हमारे इकबाल साहब एक बहुत बड़ी हस्ती हैं माशाल्लाह से, उनके लिए जो भी अल्फाज बोले जाए मेरे ख्याल से कम ही हैं, तो उनके लिए जैसे आज के बर्थडे है उनकी, तो बाय मिस्टेक लास्ट वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो उसको दोबारा रिन्यू कर रहा हूँ मैं। इकबाल साहब को सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। फराज भाई, आप हैप्पी बर्थडे बोलना चाहेंगे? सर, वो शहर मशरक है और वो बहुत अदीम हस्ती थे और पाकिस्तान बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और क्या जाने को उन्होंने मोटिवेट किया, तो उनको जितना भी हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उतना ही कम। थैंक यू सो मच। अभी लास्ट वीडियो के बाद जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी हमसे, तो जिसको हमने डिलीट करके दोबारा ये बनाई है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बार फिर से इकबाल साहब को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे।